नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से कंपनी एक्ट के लेक्चर में। तो आज हमारा नया लेक्चर हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर हो रहा है जिसका नाम क्या है आप सुनेंगे तो कहेंगे आज हम कंपनी लॉ के स्पेशल लेक्चर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम जनरल मीटिंग करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम नोटिस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम एनुअल जनरल मीटिंग करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने वाले हैं। बहुत कुछ प्रोविजन से भरा हुआ, लीगल प्रोविजंस, केस लॉज और साथ में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें जो कि आपको कंपनी लॉ की प्रैक्टिस में दिनों दिन काम आने वाली हैं, उनको आज हम यहां पे करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ मीटिंग्स इन ए कंपनी। कितने तरह की कंपनी एक्ट में मीटिंग्स का प्रावधान किया गया है। पहले तो सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि ये मीटिंग होती क्यों है। इनका एक ही पर्पज होता है, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ कंपनी लॉ के कंप्लायंस को भी पूरा करने की जिम्मेदारी इनके सामने होती है। तो पहली मीटिंग हमारे सामने आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। दूसरी मीटिंग हमारे सामने आती है मीटिंग ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। आपको पिछले चैप्टर की याद होगी, मैंने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में फर्क बताया था, मेंबरशिप का ही चैप्टर था वो। तो एक मीटिंग है मीटिंग ऑफ मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। फिर एक मीटिंग है मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यस, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की मीटिंग तो होती रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रेगुलरली मिलते रहते हैं। ये मीटिंग जो डिबेंचर होल्डर्स की है ये भी कुछ खास सिचुएशंस में होती है। और अगर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स भी होती है। अब आप कहेंगे डिबेंचर होल्डर्स तो वो हैं जिन्होंने इनको कर्जा दिया है डिबेंचर पे, क्रेडिटर्स वो हैं जिन्होंने इनको डिबेंचर के सिवा किसी चीज के लिए कर्जा दिया है, बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जो इनको सामान सप्लाई करते हैं। तो इनकी भी मीटिंग होती है खास परिस्थितियों में। लेकिन मैं यही बता दूं कि हम इस चैप्टर में मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बोर्ड मीटिंग को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के प्रोविजन किससे रिलेटेड है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स से। हालांकि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स तभी होती है जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा टाइम पे नहीं दे पा रही है, लेंडर्स का पैसा टाइम पे नहीं दे पा रही है। यहाँ तो विजय माल्या साहब का बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। और आज जैसी की खबर आ रही है कि विजय माल्या जी की जो चांस ऑफ अपील थी इंग्लैंड में वो खत्म हो गई है और अब वो बहुत जल्दी इंडिया वापस आने वाले हैं और यहाँ आकर के मुकदमे का सामना करेंगे। उनको क्रेडिटर्स का पैसा न चुका पाने की वजह से ही देश छोड़ के भागना पड़ा था और अब वो देश में फिर आ गए हैं। तो जैसा मैंने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर इज मीटिंग ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स एंड दीज मीटिंग्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू AGM एनुअल जनरल मीटिंग, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। यू सी इन AGM एंड EGM preference shareholders can come, AGM preference shareholders can come, AGM equity shareholders can come, EGM equity shareholders can come। मतलब इन दोनों मीटिंग में तो हर क्लास के शेयर होल्डर आते हैं, लेकिन जो क्लास मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर्स की, वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए होती है। लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्लास मीटिंग के अंतर्गत आती है और यहाँ पर हम क्लास मीटिंग को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कशन होना है AGM का, EGM का, नोटिस ऑफ द मीटिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग तो एक कमरे में भी हो जाती है, चार पांच लोग मिलकर के मीटिंग कर लेते हैं,
दस लोग 12 लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो एक कमरे में बैठ करके कहीं भी मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो कैसे गवर्न होता है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स और मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ये कैसे गवर्न होता है, इसको जरा सा आज हमको देखना है। तो इस मीटिंग का नाम क्या होता है, जनरल मीटिंग, बिकॉज इट इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। और हम ये देखेंगे कि जो ये जनरल मीटिंग है ये कितने तरह की होगी, क्या होगा, क्या प्रोसीजर्स होंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स आर अप टू टाइप्स। व्हाट आर दीज टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज एनुअल जनरल मीटिंग, इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 96 एंड सेक्शन 97। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि 96 97 क्या है। फिर जो दूसरी टाइप की जनरल मीटिंग है वो है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको गवर्न करता है सेक्शन 98 99 100, पूरा स्कीम ऑफ सेक्शन है जो कि इनको गवर्न करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो तरह की मीटिंग्स हमारे पास हैं, कंपनी है दो तरह की मेन मीटिंग्स की बात करता है शेयर होल्डर्स के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये जो दोनों मीटिंग्स हैं कब होंगी, कैसे होंगी, क्या प्रोसीडिंग होगी इसकी, मैंने आपको शुरू में बताया कि चैप्टर का नाम है जनरल मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो कैसे होगी ये, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वीनिंग होल्डिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग, इसी थ्री वर्ड्स, कन्वीनिंग मीटिंग को बुलाना, होल्डिंग मीटिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक के प्रोविजन, एंड कंडक्टिंग द मीटिंग, मीटिंग कैसे 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 प्रोसीड करके अपना काम पूरा करेंगे। तो अब जरा इसको स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं कि मीटिंग आखिर शुरू कैसे होगी, होल्ड कैसे होगी और कंक्लूजन की तरफ कैसे बढ़ेगी। सो द प्रोविजन इज ए मीटिंग इज वैलिड ओनली इफ, किसी मीटिंग बुला लेना, शेयर होल्डर्स को इकट्ठा कर देना ही वैलिडिटी की निशानी नहीं है। वैलिडिटी तो तब होगी जब कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजंस का फॉलो अप होगा। क्या है, फर्स्ट थिंग, प्रॉपर नोटिस हैज बीन गिवन टू एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड। नाउ माइंड द वर्ड, पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट नोटिस ऑफ द मीटिंग। नोटिस भेज करके आप ये बताते हैं कि एक मीटिंग होने वाली है उसमें आइए, तो इसका मतलब हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म प्रॉपर नोटिस। अभी समझते हैं। इसके बाद कोरम इज प्रेजेंट एट द मीटिंग, कोरम के स्पेशल प्रोविजंस हैं मीटिंग के चैप्टर में, लेकिन कोरम का मतलब यह होता है मिनिमम नंबर ऑफ persons रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग। जब तक ये कम से कम इतने मेंबर नहीं हो जाएंगे मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। जैसे अभी मैं बता दूं आपको, मान लीजिए कंपनी लॉ ने किसी प्रोविजन में बताया हुआ है कि इस कंपनी के कोरम के लिए 20 मेंबर्स की जरूरत होगी, तो जब तक ये 20 मेंबर नहीं होंगे मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। बड़े स्पेशल प्रोविजन है कि कम से कम इतने लोग तो हों कि मीटिंग शुरू हो। फिर चेयरमैन इज प्रॉपरली अपॉइंटेड एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, टू वर्ड्स, अपॉइंटेड एंड प्रिसाइड्स। हर मीटिंग का एक चेयरमैन होगा, उसके भी प्रोविजन हमें आगे देखने हैं, और वही मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। फिर प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड एज पर कंपनी एक्ट एंड कंपनी ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर की याद होगी कि वहां पे मैंने बताया था कि कंपनी की मीटिंग्स कैसे बुलानी है, कैसे कंडक्ट करनी है, कौन चेयरमैन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। इसके लिए दो जगह पे प्रावधान होते हैं, एक तो कंपनी एक्ट में और दूसरा कंपनी के अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो लेट अस थिंक व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग, प्रॉपर नोटिस, कोरम, चेयरमैन एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। अब
जरा इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्संस एंटाइटल्ड टू गेट नोटिस वेदर दे अटेंड मीटिंग और नॉट. देन पर्संस एंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग, देन persons entitled to attend and vote on resolutions, equity holders and preference shareholders, and persons entitled to vote by proxy. ये चार terms हैं, ये हमें meeting के chapter की शुरुआत में ही बहुत आराम से समझ लेने होंगे. तो एक एक को उठाना शुरू करते हैं. persons entitled to get notice, whether they attend the meeting or not, ये दिया हुआ है section 101 subsection 2 में. Persons entitled to attend meeting, person entitled to attend and vote on resolutions, persons entitled to vote by proxy. तो जरा जनरल मीटिंग के इस प्रावधान को डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या. First of all, we are seeing मेंबर्स मीटिंग. तो इसका मतलब यहां पे कंपनी के मेंबर्स आएंगे. हु आर दीज पीपल हु कैन बी टर्म्ड एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी. मेंबर्स मीन्स जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे लिखा है. और आपको याद होगा कि मेंबर्स का मतलब ये होता है person who subscribed the memorandum of association of the company, person who later on came into agreement with the company to become member of that company, and persons whose name are mentioned in the records of the depository as beneficial holder of shares. So ye maine aapko pehle bhi bataya tha. To iska matlab membership ki category mein kaun kaun se log hain. Ek to jo equity shareholder hai wo bhi hai, और एक जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो भी है. तो मीटिंग में आने का अधिकार किसको है. अब अगर पहला सवाल करें एंटाइटलमेंट फॉर नोटिस इसको है. यस, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर पे इसका नाम है. इसको है. यस, हम मान लेते हैं कि किसी कंपनी में 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और 20 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं. तो इट मींस ऑल दीज 120 पीपल आर एंटाइटल्ड टू गेट द नोटिस ऑफ द मीटिंग. वो आए नहीं आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन इनको मीटिंग की नोटिस मिलने का अधिकार है. ओके, अब सवाल उठता है कि 100 में से 70 के और इस 20 में से 18 के नाउ दे आर कमिंग टू अटेंड द मीटिंग. सो क्या इनको मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है. यस, सो दे आर एंटाइटल्ड टू अटेंड बिकॉज दे केम. जो आए ही नहीं उनकी तो बात ही भूल जाइए. जो आए वो एंटाइटल्ड टू अटेंड है, लेकिन जिनको नोटिस मिली थी वही. जो नोटिस ना मिलने की वजह से नहीं आए उनको आप यहां गिनती में नहीं करेंगे. जो लोग नोटिस मिलने के बावजूद नहीं आए उनको आप यहां गिनती में नहीं करेंगे. लेकिन अगर किसी मेंबर को नोटिस भेजी ही नहीं गई है और वो यहां आ गया तो आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, आपकी मीटिंग इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगी. इसलिए जब कंपनी ला ये कहता है persons entitled to get notice, so company will have to be very careful that every person who is entitled to get the notice of the meeting must be sent with a copy of notice. If you have deliberately not sent, mind my words, deliberately, जानबूझ के अगर आपने किसी मेंबर को नोटिस नहीं दी तो आपकी सारी मीटिंग को मुकदमा करके वो इनवैलिड डिक्लेयर करा देगा. ओके, दे आर एंटाइटल्ड टू अटेंड. अब सवाल ये उठता है
दूसरा एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट। देखिए ये दो वर्ड है, एंटाइटल टू अटेंड एक वर्ड है और एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एक वर्ड है। सवाल ये है कि ये 70 कौन है, इक्विटी, ये 18 कौन है, प्रेफरेंस। आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत पहले मेमोरेंडम के चैप्टर में बताया था इनमें से एक आदमी कंपनी की उस मीटिंग का चेयरमैन बनता है और जो चेयरमैन बनता है उसको नॉर्मल कंडीशन में वोट देने का अधिकार नहीं होता। उसको कब वोट देने का अधिकार होता है, जब दोनों पक्ष और विपक्ष के वोट क्या हो जाए, बराबर, और ऐसा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की सिचुएशन में होता है। तो चेयरमैन साहब का कास्टिंग वोट होगा तो ही इज एंटाइटल्ड टू अटेंड, ही इज एंटाइटल्ड टू अटेंड, रादर ही विल प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। हाउएवर when he is entitled to cast the vote, when his entitlement to cast the vote is concerned, he is entitled to vote only in case of casting vote and not always. One thing. Second thing, ये 70 हैं, क्या ये 70 मीटिंग में पेश किए गए सारे रेजोल्यूशन से वोट देंगे? ये 18 हैं, क्या ये 18 मीटिंग में पेश किए गए सारे रेजोल्यूशन से वोट देंगे? अगर हम मान लें कि इन 70 में से एक बन गया मीटिंग का चेयरमैन तो ये घट के रह गए 69 और ये आए 18, क्या ये सारे रिजोल्यूशन पे वोट देंगे? तो मैं अभी बता दूं कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये सिर्फ दो तरीके के रिजोल्यूशन पे वोट देते हैं। पहला तो ये कि जब इनका डिविडेंड का राइट अफेक्टेड हो रहा है या कंपनी जा रही है वाइंडिंग अप में, ये सिर्फ दो तरह के रिजोल्यूशन पे वोट देते हैं, आइदर ऑन द वेरिएशन ऑफ देयर राइट और व्हेन द कंपनी इज इन वाइंडिंग अप। जहां तक इक्विटी की बात है, इक्विटी वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन, इक्विटी शेयर होल्डर कैन वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन। लेकिन यहां भी एक किंतु परंतु है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मेरे कहने का मतलब है, ऑल 69 पीपल कैन अटेंड एंड वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन पुट बिफोर द मीटिंग, बट दीज 18 पीपल कैन कास्ट देयर वोट ओनली इन दैट मीटिंग दिस काइंड ऑफ रिजोल्यूशन आर ब्रॉट, और अगर इस तरह का रिजोल्यूशन नहीं लाया गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बैठ करके मीटिंग में चाय पिएंगे, लंच करेंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय कह के अपने घर चले जाएंगे। अब मैंने कहा कि यहाँ पे 69 के 69 वोट देने के अधिकारी हैं, लेकिन आगे चल के एक प्रोविजन कराऊंगा मैं जिसमें ये लिखा मिलेगा आपको कि अगर इन इक्विटी शेयर होल्डर्स में से किसी की शेयर पर दी जाने वाली पैसे में अभी बकाया है, मतलब उसकी कॉल इन एरियर है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनके अटेंड करने पे तो बैन नहीं लगाएगा लेकिन इनके वोट करने पे बैन लगा सकता है। अगर मान लें इसमें से 5 लोगों के कॉल इन एरियर हैं, इनसे शेयर के पैसे मांगे गए थे लेकिन इन्होंने दिया नहीं था, तो फिर क्या होगा, ये लोग मीटिंग अटेंड तो करेंगे लेकिन मीटिंग में वोट करने का अधिकार इनको नहीं होगा। यह हुआ पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट। इसका मतलब इन ए मीटिंग देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी दैट ए पर्सन इज सिटिंग एंड अटेंडिंग बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव हिज वोट। अब प्रॉक्सी वोटिंग, प्रॉक्सी के प्रोविजन तो हम आगे करेंगे लेकिन यहां मैं इतना ही बता दूं कि जिस मेंबर को यहां आने का अधिकार है उसे प्रॉक्सी अपॉइंट करने का अधिकार भी मिल सकता है, कंपनी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक मिल सकता है, और अगर उसको यह अधिकार मिला है तो उसकी जगह पे कोई उसका प्रतिनिधि चला जाएगा और वही प्रतिनिधि
उसके डायरेक्शन के मुताबिक वोट देकर के आएगा। तो अगर आप खुद ना जाकर के अपना प्रॉक्सी भेजते हैं तो आपका प्रॉक्सी आपके दिशा निर्देशों के मुताबिक कंपनी की जनरल मीटिंग में वोटिंग करके तब वापस आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि इतना आपकी समझ में आया होगा। अब अगर इतना समझ में आया तो हम थोड़ा सा आगे चल देते हैं, क्योंकि ये मुहावरा समझना बहुत जरूरी था कि कौन कौन से लोग वोट दे सकते हैं, कौन कौन से लोग अटेंड कर सकते हैं। अभी कंपनी एक्ट के प्रावधान जब आपके सामने आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि प्रोविजंस ने बीच बीच में इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड, पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट, पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट। तो इस प्रोविजन के गहराई को समझना बहुत जरूरी था कि कौन कौन से लोगों को हम क्या एंटाइटलमेंट दे सकते हैं, और जिस अधिकार के लिए वो एंटाइटल्ड है उसी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी दूसरे अधिकार का इस्तेमाल वो कर ही नहीं सकते। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, पर्सन एंटाइटल्ड टू गेट नोटिस, पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग, पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट ऑन रिजोल्यूशन, एंड पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट बाय प्रॉक्सी। अब ये भी देख लेते हैं हाउ टू काउंट एंटाइटलमेंट टू वोट। कहने का मतलब क्या है कि कैसे काउंटिंग होगी और क्या इसका प्रावधान है। वेयर एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन सम रिजोल्यूशन एंड नॉट ऑन द अदर्स, दोज मेंबर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मल रिजोल्यूशन एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेटर रिजोल्यूशन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मामले में अक्सर ऐसा हो जाता है कि उनको कुछ चीज़ों पे वोट देने की पावर है, कुछ चीज़ों पे वोट देने की पावर है ही नहीं। तो जिन पर उनको वोट देने की पावर है उसमें तो उनकी काउंटिंग होगी, जिन मामलों पर उनको वोट देने की पावर नहीं है उन मामलों में उनकी काउंटिंग हो ही नहीं सकती। अब इस प्रोविजन पर चलते हैं जिस पर हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है, नोटिस ऑफ मीटिंग। और मैं पहले ही बता दूं कि कंपनी एक्ट की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा केसेस नोटिस ऑफ मीटिंग पर भी होते हैं। देखने में प्रोविजन सिंपल लग सकता है लेकिन इतने केसेस हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कंपनी लॉ में सबसे ज़्यादा केसेस जनरल मीटिंग में होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के ऊपर होते हैं। बाकी कंपनी लॉ में ज़्यादा केसेस नहीं होते लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और जनरल नोटिस पे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। अब देखते हैं, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं वास्तव में, कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। 2013 में कंपनी एक्ट बना, 2014 में इसके रूल नोटिफाई हुए। हम अब यहाँ पे उनमें से कुछ रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखते हैं, अथॉरिटी टू गिव नोटिस। नोटिस तो कागज की जाएगी कि भाई आपको इस एजीएम के लिए आमंत्रित किया जाता है, आपको इस ईजीएम के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन कोई भी नोटिस प्रॉपर अथॉरिटी से जानी चाहिए। शादी का कार्ड देना हो तो नीचे लिखा रहता है ना आरएसवीपी, कौन कौन से लोग आपका रास्ता देख रहे हैं। अब वहां पे सिर्फ एक छोटे बच्चे का नाम लिखवा दीजिए तो लोग कहेंगे अरे क्या छोटे बच्चे का नाम लिखवा के कार्ड भेज दिए, हमारी कोई इज्जत ही नहीं क्या, छोटे बच्चे के नाम से कार्ड भेजेंगे तो हम जाएंगे। तो अथॉरिटी बड़ी जरूरी है। अगर कोई भी मीटिंग की नोटिस बिना प्रॉपर अथॉरिटी के दी गई है तो वो नोटिस अपने आप में ही वायरल हो जाएगी। Authorized to give notice by board of director or any person authorized by board like company secretary of the company or any other director। Memorandum के chapter में भी आपने देखा था कि जब किसी company के memorandum को amend करना होता था, article को amend करना होता था, तो हम provision बनाते थे कि board of director will call a meeting। क्यों? क्योंकि हमें पता था
कि नोटिस के चैप्टर में, जनरल मीटिंग के चैप्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही वो अथॉरिटी है जो मीटिंग बुलाने के लिए ऑथराइज्ड है। तो या तो बोर्ड खुद बनाएगा, मतलब नोटिस बनाएगा कि आपको इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है, और नीचे लिखेगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो या तो पूरा बोर्ड आपको नोटिस देगा, या जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में कंपनियां कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करती हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं जो कि कंपनी के लिए सीएस का काम करते हैं, या जहां पे सीएस नहीं है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर देता है कि भाई तुम सारी नोटिसेस पे साइन करो, हमारे बिहाफ पे करो। ठीक है, अब नीचे एक केस ला हुआ, इफ नोटिस वाज इशूड विदाउट अथॉरिटी। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डायरेक्टर डी वन को नोटिस देने के लिए ऑथराइज किया था और नोटिस पे साइन हुआ डायरेक्टर डी टू का, इसका मतलब प्रॉपर अथॉरिटी से नोटिस नहीं गई लेकिन मीटिंग बुला दी गई। तो देखिए एक ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, इफ नोटिस वाज इश्यूड विदाउट अथॉरिटी देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी और ऑथराइज डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया था कैन रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स व्हाट, अप्रूवल करना, काम हो जाए उसके बाद अप्रूवल करना। कैन रेक्टिफाई इट बिफोर द मीटिंग इज हेल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मीटिंग शुरू होने वाली है, माला वाला लोगों को पहनाई जाने वाली है, इसके पहले आप नोटिस रेक्टिफाई कर दो कि भाई आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये नोटिस बिना ऑथराइजेशन के, प्रॉपर ऑथराइजेशन की भेज दी गई थी, तो ऐसा है कि अब हम इसको प्रॉपरली ऑथराइज कर रहे हैं तो मीटिंग वैलिड होगी। अगर मीटिंग बुला दी गई, मीटिंग हो गई, कंक्लूड हो गई और तब तक नोटिस अनऑथराइज पर्सन वाली ही थी तो मीटिंग में पास किए गए सारे रिजोल्यूशन वायर है। नोटिस का प्रावधान इतना महत्वपूर्ण है कि अगर प्रॉपर नोटिस के बिना आपने मीटिंग बुला ली तो समझिए सिर का जंजाल बुला दिया। नाउ नोटिस ऑफ द मीटिंग, अब हम आने वाले हैं पहले सेक्शन पे। अभी तक हमने कोई सेक्शन डिस्कस नहीं किया था। लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 101 सबसेक्शन 1। इट शुड बी मोर देन आर इक्वल टू एटलीस्ट 21 डेज। व्हाट दिस सेक्शन सेज 101, जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन हाउ मेनी डेज, क्लियर 21 डेज नोटिस। इस बात को ध्यान देना, ये क्लियर 21 डेज नोटिस का क्या मतलब है ये अभी समझने वाले हैं। इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल भी भेज सकते हैं आप एज पर रूल 18 बाई एन ईमेल। ठीक है, क्या प्रावधान बना, लेंथ ऑफ नोटिस सेक्शन 101 सबसेक्शन 1, जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मे बी कॉल्ड। नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मे बी, मे बी मतलब क्या 21 दिन की नोटिस दिए बिना भी मीटिंग कॉल की जा सकती है। शायद यहां पे कुछ इशारा है, शायद कुछ इशारा है कि नोटिस 21 दिन की भी हो सकती है और 21 दिन से कम की भी हो सकती है। अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में क्या इशारा है। जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मे बी कॉल्ड बाई गिविंग नॉट लेस देन क्लियर 21 डेज नोटिस इन राइटिंग और बाई ईमेल। ईमेल भी आप राइटिंग में देंगे लेकिन जब लिखता है इन राइटिंग तो इसका मतलब है ऑन पेपर, जब लिखता है ईमेल तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड की नोटिस बन जाती है। फिर से पढ़ता हूं, जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मे बी कॉल्ड By giving not less than clear 21 days notice in writing or through an electronic mode as per rule 18 by email. Okay, may be called, may be का interpretation है शायद 21 दिन से कम की notice दी जा सकती है। अब जरा इसके आगे देखते हैं। Proviso to section 101 subsection 1,
मैंने बताया था, जब भी किसी सेक्शन में प्रोविजन लगता है तो या तो वो सेक्शन के स्कोप को लिमिट करता है या एक्सपेंड करता है। शॉर्ट नोटिस लेस देन 21 डेज, अब ये इशारा आ गया ना, उसी लाइन का इशारा। ए जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मे बी कॉल्ड बाय गिविंग ए क्लियर 21 डेज नोटिस, इसका मतलब 21 दिन से कम की नोटिस पर भी आप मीटिंग बुला सकते हैं। इसको जरा प्रोविजन को देखते हैं। एजीएम कंपनी विद और विदाउट शेयर कैपिटल, क्या उसमें 21 दिन से कम की नोटिस दी जा सकती है? इमरजेंसी में आपको एजीएम बुलानी पड़ गई, इमरजेंसी अचानक बुलानी पड़ गई और मीटिंग के दिन से नोटिस तक का 21 दिन का टाइम नहीं है, तो क्या आप एक हफ्ते की नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग 10 दिन की नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं? सेक्शन का कहना है यस, इन केस ऑफ एजीएम ए नोटिस फॉर लेस देन 21 डेज कैन आल्सो बी गिवन। फॉर नोटिस ऑफ लेस देन 21 डेज ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि एंटाइटल्ड टू वोट का क्या मतलब है, कितने लोग उस मीटिंग में वोट देने के अधिकारी हैं। एंटाइटल्ड 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एट दैट एजीएम। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वो क्या दिया था आपको, कि किसी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल 100 लोग आपके इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इसमें से मीटिंग में आए कितने, केम 70, इसी में से एक चेयरमैन बन गया और जो चेयरमैन बना तो रह गए 69। अब अगर आप 21 दिन से कम की नोटिस दे रहे हैं तो इस 69 के 95% लोगों से आपको कंसेंट देनी पड़ेगी, कम से कम 95% लोगों से कंसेंट देनी पड़ेगी कि हम आपको शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग में बुला रहे हैं, हम आपको छोटी नोटिस पे मीटिंग में बुला रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी मीटिंग ही इनवैलिड हो जाएगी। ओके, तो ये तो हुआ भाई एजीएम के लिए शॉर्ट नोटिस देने का प्रावधान। अब जरा देखते हैं कि क्या ईजीएम के लिए भी ऐसा हो सकता है। प्रोविजो टू सेक्शन 101 टॉक्स अबाउट शॉर्ट नोटिस इन केस ऑफ ईजीएम आल्सो। कंपनी विद शेयर कैपिटल, और आपको पता है कंपनी एक और होती है कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है बल्कि क्या है, गारंटी है। तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी में कितने लोगों की कंसेंट लेनी पड़ेगी, obtain consent in writing or by electronic mode from such number of shareholders holding 95% of rightful voting capital or without share capital mein obtain consent in writing by electronic mode from such number of shareholders holding 95% of rightful voting power। देखिएगा यहां कैपिटल वर्ड लिखा है शेयर कैपिटल वाली कंपनी में, नॉन शेयर कैपिटल वाली कंपनी में गारंटी वर्ड लिखा हुआ है, नॉन शेयर कैपिटल वाली कंपनी में गारंटी वर्ड लिखा हुआ है। अब जरा सा और आगे चलते हैं, जरा सा और आगे चलते, इस चीज को समझ लेते हैं जरा, शॉर्ट नोटिस वाले को प्रावधान को। शॉर्ट नोटिस लेस देन 21 डेज कंसेंट, भाई एक बात बताइए, यहां 100 मेंबर्स थे शेयर होल्डर, और यहां
10 मेंबर जिन्होंने दी थी गारंटी, ठीक है। हम बुलाना चाहते हैं एजीएम, हम यहां बुलाना चाहते हैं एजीएम। कितने लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी जरा सा देख के बताइए, कितने लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी? 95% मेंबर्स, 95% मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? यहां 95 लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी और यहां 9.5 मेंबर से कंसेंट लेनी पड़ेगी, मतलब 10। ये कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा। मान लीजिए यहां पे 10 की बजाय 6 ही मेंबर होते तो इसका 95% कितना आता? 5 point something आता। तो जब भी पॉइंट समथिंग आएगा तो हम आगे बढ़ाएंगे, यहां आदि को फ्रैक्शन में काट के छोटा नहीं करेंगे, आगे ही बढ़ाएंगे। अब क्या है कि अगर यही हम ईजीएम कर रहे होते, ईजीएम यहां पे हम कर रहे होते ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर रहे होते, तो क्या करना पड़ता? यहां पे क्या कहते हैं, 95% शेयर कैपिटल। अब देखिएगा यहां पे कैश वर्ड बड़ा तगड़ा है और यहां कहते हैं 95% वोटिंग पावर। अब आपको कंपनी ला की ब्यूटी दिखाता हूं, अंदरूनी ब्यूटी। केसेस इसीलिए होते कि जो अंदरूनी कंसेप्ट है ना वो उतना क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पे क्या वर्ड यूज किया था? 95% वोटिंग कैपिटल वर्ड यूज किया था ना, 95% राइटफुल वोटिंग कैपिटल, 95% राइटफुल वोटिंग कैपिटल। अब आपको देखना है यहां पे वोटिंग कैपिटल का क्या मतलब है। वोटिंग कैपिटल 100 शेयर होल्डर्स, और 10 लाख शेयर कैपिटल टोटल है, 10 लाख शेयर कैपिटल टोटल है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर 100 है, 10 लाख शेयर कैपिटल है, इसका मतलब शेयर टोटल कितने हो गए? 1 लाख। अगर 10 रुपए की शेयर है तो 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले इश्यूड हैं और इसको 100 शेयर होल्डर मिल करके होल्ड कर रहे हैं, 100 लोग मिल करके होल्ड कर रहे हैं। अब इन 100 में से, यहां कमाल देखिएगा जरा सा, इन 100 में से 25 लोग ऐसे हैं, या मैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए बता देता हूं, 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी की, जिन्होंने इस कंपनी के 9,50,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, 9,50,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं। बाकी जो 50,000 के शेयर हैं वो बाकी लोगों ने होल्ड कर रखे हैं, 70 लोगों ने, 70 people। फिर से एग्जाम्पल समझा दूं आपको, 100 शेयर होल्डर से ईजीएम हो रही थी, हमें देखना था 90% वोटिंग कैपिटल का क्या मतलब है। हमने देखा कि कितने शेयर टोटल हैं, कितने रुपए के शेयर हैं, कितने टोटल शेयर होल्डर हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% वोटिंग कैपिटल है। हो सकता है इनमें से सिर्फ एक के पास 95% वोटिंग कैपिटल हो और बाकियों के पास कुल मिला के 5% की वोटिंग कैपिटल हो। जब कंसेंट लेने वाली बात आएगी, शॉर्ट नोटिस के लिए कंसेंट लेने वाली बात आएगी, तो कितने लोगों के कंसेंट लेंगे आप? सिर्फ इन 30 लोगों की कंसेंट ले लेंगे और आपका शॉर्ट नोटिस वाले का काम चल जाएगा। वर्ड क्या यूज किया है? पीपल होल्डिंग 95% ऑफ वोटिंग कैपिटल। हाउ मच इज द वोटिंग कैपिटल? 10 लाख, आउट ऑफ विच
95% वोटिंग कैपिटल मींस 950,000 पीपल होल्डिंग 95% कैपिटल मींस 30 पीपल। आप 30 लोगों की कंसेंट दे दीजिए और एक हफ्ते की शॉर्ट नोटिस पर जनरल मीटिंग बुला लीजिए। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसान है। मान लीजिए कि 10 मेंबर्स ने मिलकर के गारंटी दी है और टोटल गारंटी अमाउंट है 10 लाख की, 10 लाख की गारंटी अमाउंट है, ठीक है। इनमें से एक बहुत बड़े आदमी है, 1 पर्सन, इन्हीं की गारंटी 970,000 है। बाकी जो 9 मेंबर है उन्होंने कुल मिला के 30,000 रुपए की गारंटी दी है, किसी ने 1,000 रुपए गारंटी दी है, किसी ने 5,000 गारंटी दी है, किसी ने 8,000 गारंटी दी है, किसी ने 2,000 गारंटी दी है। बाकी 30,000 में 9 लोग हैं। अब यहां आपको कंसेंट लेनी है तो किसकी ले लीजिए, इस एक आदमी की ले लीजिए, आपका काम चल गया। इसीलिए कहते हैं ना, कंपनी में सारा गेम शेयर कैपिटल की एक्सटेंट का है। तो प्रावधान क्या, लोग जानते क्या समझते हैं कि जी इस 10 लाख का 95%, अरे 10 लाख का 95% तो अमाउंट है, आपको टोटल नंबर भी तो देखने हैं कि उस 10 लाख के 95% को कितने लोगों ने मिलकर होल्ड कर रखा है, उनकी कंसेंट ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो कंपनी लॉ को उसके अंदर जाकर के जब आप समझते हैं तब पता चलता है कि आखिर जो केस लॉ होते हैं उसके इंटरप्रिटेशन में इतने अंदर जाकर के कोर्ट को इंटरप्रेट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लॉ मेकर की इंटेंशन कुछ और है और लोग समझ बैठते हैं कुछ और। तो इसके बाद के प्रावधान पे चलते हैं, कुछ एक दो केस लॉ डिस्कस करते हैं कि क्या वास्तव में प्रावधान है। चार्टर नोटिस इन केस ऑफ एजीएम, तो देखिए कंसेंट तो हमको लेनी है, आप 21 दिन से कम की नोटिस देना चाहते हैं तो कंसेंट तो आपको लेनी है। कैसे लेनी है? एजीएम में भी कॉल्ड बाई ए चार्टर नोटिस प्रोवाइडेड फॉर सच नोटिस consent is obtained from all the members who are entitled to attend and vote. फिर आ गया मुहावरा, who are entitled to attend and vote in the meeting. Consent of members present in the meeting is not sufficient. बहुत important ये discussion है, बहुत ज्यादा important ये दो लाइनें हैं, जरा इसको फिर से देखिए। AGM may be called by a shorter notice provided consent for such a notice is obtained from all the members who are entitled to attend and vote. ये नहीं कि जितने वहां प्रेजेंट हैं उनके 95% होल्डिंग में से ले लीजिए। अभी जो पिछला केस दिया था, मान लीजिए कि वो जो 30 मेंबर जो मेजॉरिटी होल्ड करते हैं किसी वजह से गाड़ी में फंसे रह गए, नहीं आ पाए, बाकी 50,000 के होल्डर्स आ गए, तो इनका 95% होल्ड करने वालों की अगर आप कंसेंट ले भी लें, ये सारे के सारे मिलकर 100% कंसेंट दे दें तो भी आपकी मीटिंग इनवैलिड होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास कंपनी की टोटल वोटिंग कैपिटल का 95% नहीं है। ये वो लोग हैं जो मीटिंग में अभी प्रेजेंट हैं, आपको उनका इंतजार करना होगा, उनके लिए गाना गाना होगा, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ये केस डिसाइड हुआ था NVR नागप्पा चेट्टियार वर्सेस मैड्रास रेस क्लब 1949 में। कंपनी एक्ट 1956 का बनने के पहले जो हिंदुस्तान में कंपनी एक्ट चल रहा था उसमें ये केस डिसाइड है और हम आज भी इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट दे मस्ट गिव देयर कंसेंट। ये नहीं कि कंसेंट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग आपने ले लिया और आपका काम खत्म हो गया। ऐसा अगर हो फिर तो बहुत आसान है। मान लीजिए कोई साजिश कर ले कि वो 30 मेंबर जिस बस में भर करके आ रहे हैं उस बस का टायर पंचर कर दिया जाए, उस बस के ड्राइवर को कुछ खिला पिला के वहीं सुला दिया जाए और बाकी ये जो 50,000 वाले होल्डर है यही बंद करके अपना सारा काम कर ले, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एक थोड़ी सी छूट आपको दी गई है, कंसेंट फॉर शॉर्टर नोटिस मे बी ऑब्टेन सब्सिक्वेंटली। ये सेल्फ हेल्प प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड 1972 में डिसाइड हुआ था।
देखिए इस केस को आप जनरल इंटरप्रिटेशन ना मानिए, इसलिए ना मानिए क्योंकि इस केस में खास सिचुएशन पैदा हो गई थी। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि अगर शॉर्टर नोटिस की कंसेंट लेनी है तो मीटिंग कंक्लूड होने के पहले दे दीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस केस के फैक्ट्स में अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि इनके यहाँ लोगों को पहुंचने में, कंसेंट देने में वास्तव में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई थी, इनके ऊपर हेल्थ की, लॉ एंड ऑर्डर की कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से इनको पहुंचने में देर हुई थी। तो इनमें एक ऑर्डर आया था कि मेंबर्स कंसेंट अंडर 101 फॉर शॉर्टर नोटिस ऑब्टेन्ड आफ्टर द मीटिंग वुड वैलिडेट ऑल द रेजोल्यूशन। हालांकि कुछ लोग आज भी इसको यूज करते हैं कि भाई उस केस में था तो हम भी अगर बाद में कंसेंट ले लें तो हमारे लिए भी ये यूजफुल होना चाहिए, तो आप लेना चाहें तो ले, एक केस लॉ के रूप में ये आज भी इंस्टीट्यूट बुक में मौजूद है। इसके बाद पर्संस एंटाइटल्ड फॉर नोटिस 1013, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर क्यों भाई, अरे मेंबर ही तो आपकी कंपनी का सुपरमैन है, उसी की तो मीटिंग बुला रहे, उसको तो मीटिंग में इनवाइट करना ही पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज मेंबर और एसआईनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर, यस, जो मेंबर मर गए उनका जो भी नॉमिनी है, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसके बारे में कंपनी को पता है, नोटिस उनको दी जाएगी। मेंबर को दी गई, उसका नाम तो रजिस्टर ऑफ मेंबर पे है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी गई, ये लोग तो मीटिंग में आएंगे, ये तो एक्चुअल पार्टिसिपेंट है ही है, प्लस ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की जनरल मीटिंग्स में अकाउंट भी डिस्कस होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स भी डिस्कस होते हैं, तो बेहतर है कि ऑडिटर को भी बुला लीजिए। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो भी डायरेक्टर, ए प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट ए सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी मे प्रेस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल पर्सन टू हूम द नोटिस शुड बी गिवन। ये प्राइवेट कंपनी को एक्स्ट्रा एक लीवरेज दी गई है कि आप अगर चाहें तो भाई आप प्राइवेट कंपनी है, दो मेंबर हैं आपके, आप चाहें तो अपने पिताजी को बुला लीजिए, भाई वो भी चाहे समोसे खा लेंगे। पब्लिक कंपनी में तो बड़ा मुश्किल है, गिनती की प्लेटें लगी होती हैं, प्राइवेट कंपनी में तो घर की कंपनी है, दो चार और लोगों को बुला दिया, अच्छी खासी गैदरिंग हो जाएगी। तो किसको किसको मीटिंग की नोटिस देनी है, मेंबर को जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे है, मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर उसकी डेथ हो गई है, तो कोई आपका चलता चलाता मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके शेयर ऑफिशियल एसआईजी को ट्रांसफर हो गए तो ऑफिशियल एसआईजी को देनी है, डायरेक्टर्स को देनी है, ऑडिटर्स को देनी है। यहां दो वर्ड देख रहे होंगे, ऑडिटर और ऑडिटर्स, ये जो वर्ड ऑडिटर लिखा है वो तो अगर आपकी कंपनी की एक सीए फर्म ऑडिट कर रही है तो वो ऑडिटर बोला जाएगा। बड़ी कंपनियां जनरली ज्वाइंट ऑडिटर रखती हैं, उन कंपनियों के ऑडिट एक से ज्यादा सीए करते हैं, तो जितने भी सीए आपके ऑडिट कर रहे हैं उन सबको आप ये नोटिस देंगे, सारे ऑडिटर्स को ये नोटिस जानी चाहिए, डायरेक्टर्स को जानी चाहिए, और प्राइवेट कंपनी कुछ और प्रावधान कर सकती है। नॉन रिसीट ऑफ नोटिस, इफ द ओमिशन टू गिव नोटिस ऑफ द मीटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल, ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स आर इनवैलिड। इस पे ध्यान दीजिएगा, नॉट एक्सीडेंटल मतलब अगर डेलिबरेट होगा, जानबूझ के होगा, आपकी कंपनी के 1,00,000 मेंबर हैं, आपने सबको नोटिस भेजी, 10 लोगों का नोटिस तकिए के नीचे दब के रह गया, आपकी मिस्टेक है, एक्सीडेंटल नहीं है, आपकी कंपनी की सारी मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है वो अपने आप इनवैलिड हो जाएंगी। नॉन रिसीट ऑफ नोटिस सेक्शन 1014 क्या कहता भी है, एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाई एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए नोटिस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। एक्सीडेंटल ओमिशन, जानबूझ के नहीं हुआ,
गलती से रह गया, एक आप किसी कंपनी के मेंबर है, दो चार लिफाफे किसी फाइल में दबे रह गए, नहीं भेज पाए, या पोस्ट करने को रह गए, या बैग में भर करके लिफाफे आप कूरियर वाले क्या ले जा रहे हैं, एक लिफाफा उसमें से सरक के गिर गया, आपने जानबूझ के किसी को एक्सक्लूड करने की कोशिश नहीं की, सबके लिए नोटिस बनाई है, सबको आप देना चाहते हैं, आपका इंटेंशन बढ़िया है, आप जानबूझ के किसी मेंबर को एक्सक्लूड नहीं करना चाहते, एक्सीडेंटल ओमिशन वर्ड को एक केस में एक्सप्लेन भी किया गया, इट इज नॉट डिजाइंड डेलिबरेटली, जानबूझ करके आपने उसको एक्सक्लूड नहीं किया है, मसल व्हाइट वर्सेस सियाह मसल में क्या डिसाइड हुआ, However, where notice is not served on person on the mistaken ground that he is not a shareholder cannot be regarded as accidental omission. दो केसेस हुए, पहला केस तो ये हुआ, accidental omission means an omission that has not been designed deliberately. महाराजा एक्सपोर्ट के केस में हुआ कि जानबूझ करके नहीं किया गया, उसको आप accidental omission कहेंगे. मसल वाइट के केस में क्या हुआ कि किसी एक आदमी को नोटिस नहीं दी गई, नोटिस देने वाले के मन में क्या था कि यार पता नहीं वो मेंबर है कि नहीं है, अरे भैया ये कौन सा ग्राउंड है, क्या आप कोर्ट में जाके कह रहे हैं जी सर मैंने इनको नोटिस इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये मेंबर है भी या नहीं है. अच्छा, आपको एक रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर बनाने को कहा जाता है, साफ साफ कहा गया है कि जिसका नाम उस रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में है उसको आप नोटिस जरूर देंगे, और यहां आप आके कह रहे हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं था, पता ही नहीं था कि वो मेंबर है भी या नहीं है, ये तो इसका मतलब आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर बनाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ रखी है. ये बड़ा बढ़िया केस हुआ, कलकत्ता केमिकल कंपनी वर्सेस धीरेश चंद्र राय लिमिटेड का, पहले इस केस को पढ़ लीजिए उसके बाद जरा सा बात करते हैं. AGM was convened on 7th of October 1983. The notice was published in a newspaper in Calcutta on 12th September 1983. Newspaper mein notice di. The shareholder received the notice on 22nd of September 1983. Which was shown to have been posted on 16th of September 1983. समझिए जरा कि कंपनी को एक मीटिंग बुलानी थी 7th अक्टूबर 1983 में, तो उसने पहला काम तो ये किया कि अखबार में छपवा दिया जो 12 सितंबर को ही छप गया. दूसरा काम ये किया कि उन्होंने कागज को लिफाफे में डाल के नोटिस भेजी भी, एक्चुअल नोटिस भी भेजी, वो पहुंची 22 सितंबर 1983 को, जिसको पोस्ट किया गया था 16 सितंबर 1983 को, नोटिस पर डेट पड़ी हुई थी 9 सितंबर 2083, ठीक है. डी जो शेयर होल्डर है धीरेश चंद्र राय दादा, दादा ने एक स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगाया. That resolution passed at the meeting are invalid on the ground that he received the notice on 22nd of September 1983. Meeting थी 7-10 को, notice received किया 22-9 को. तो उन्होंने कहा था 22 सितंबर से आप जोड़ना शुरू करिए तो 7 अक्टूबर तक 21 दिन नहीं होते, 21 दिन से कम दिन होते, और क्योंकि कंपनी लॉ का कहना है कि कम से कम 21 दिन की नोटिस दी जानी चाहिए, इसलिए ये वाली नोटिस इनवैलिड है, और अगर नोटिस इनवैलिड है तो मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इनवैलिड है, ये उन्होंने कहने की कोशिश की. द शॉर्ट नोटिस इन एनी वे डिड नॉट प्रिजुडिस हिम,
The question was whether the shortness of notice invalidated the meeting or not. Held that section 1014 makes it clear that the accidental omission to give notice to any member or non-receipt of notice shall not invalidate the proceedings of the meeting. दो चीजें बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है. Accidental omission will not invalidate the meeting. अभी आपने provision देखा. And non-receipt of notice shall not invalidate the proceedings at the meeting. कि अगर कंपनी ने नोटिस भेज दी और आपको नहीं मिली तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है. ओके अब यहां मैं आपको टी ब्रेक नहीं दे रहा हूं, यहां मैं आपको इस स्लाइड से ब्रेक दे रहा हूं और अब जरा कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझने की कोशिश करेंगे. देखिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये नोटिस के प्रोविजंस पे बहुत केसेस हुए हैं. अभी अभी जो दादाजी वाला केस आपने देखा वो वास्तव में क्या था. दो तारीखें तो आपको याद होंगी, एक तो ये रही कंपनी और ये रहे बंगाली दादा. बंगाली दादा ने ये केस कराया हुआ था. तो कंपनी की मीटिंग थी 7 अक्टूबर 2083 को, 1983 को, और इनको ये नोटिस मिली 22/9/83. तो उन्होंने कहा साहब देखिए इसके इसके भीतर का अगर गैप देखा जाए तो 21 दिन से कम है, लेस देन 21 दिन है, और शॉर्ट नोटिस के लिए जो इनको कंसेंट लेनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं लिया, तो मुझे 21 दिन से कम का टाइम मिला, इसलिए मैं तो इस मीटिंग को इनवैलिडेट डिक्लेयर कराना चाहूंगा. अब साहब कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस गया तो दादा को बुलाया गया, कंपनी को भी बुलाया गया. अब कंपनी तो यही कह रही थी कि सर ऐसा है कि हमने तो अखबार में भी नोटिस डाल दी थी और क्या कहते हैं कि इनको पोस्ट भी कर दिया था, 16 सितंबर को ही पोस्ट कर दिया था, इनको 16 सितंबर को ही पोस्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी अब नहीं मिला तो अभी क्या करें हम हैं. अब दादा आपने कभी किसी बंगाली को लड़ते हुए देखा है? नहीं, सही बताइए, आपने कभी किसी बंगाली को लड़ते हुए देखा है? बंगाली दादा लोग कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, और छाता लेके चलते हैं. तो जब बंगाली दादा लोग लड़ते हैं तो एक हाथ से तो धोती ऐसे पकड़े रहते हैं, क्योंकि वो धोती उनके पहनने का ढंग ऐसा होता है कि उनको एक हाथ से पकड़ना ही पड़ता है, तभी वो धोती अपनी सही जगह पे रहती है, मतलब वो अपनी सही जगह से हिल सकती है, और एक हाथ में छाता है. तो जब बंगाली लड़ता है तो छाता ऐसे दिखाता है और धोती ऐसे पकड़े रहता है, तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई इंडियन क्लासिकल डांस हो रहा है. अगर आप दूर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस हो रही है, क्योंकि वो धोती ऐसे पकड़े हुए है और छाता ऐसे ऐसे कर रहा है. तो बंगाली दादा ने कहा कि तुमने मेरा नोटिस गलत डाल दिया, तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम्हारा मीटिंग इनवैलिडेट कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा. जज ने कहा दादा एक मिनट, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये कोर्ट रूम है, ऑर्डर 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 ऑर्डर. जब सब ऑर्डर में हुआ तो उन्होंने दादा को पानी पिलाया, कहा दादा सुनो एक बात सुनो. अब आप ध्यान कीजिएगा स्लाइड में सबसे ऊपर क्या लिखा था, द नोटिस डिड नॉट प्रिजुडिस एनी राइट ऑफ द शेयर होल्डर. दादा को बुलाया गया, बोला गया आपके पास कितने शेयर हैं? तो बताया गया जी 10 शेयर है, थोड़े से शेयर थे इनके पास. कोर्ट ने कहा दादा झूठा ही हंगामा काट रखा है आपने, है 10 शेयर है, आप मीटिंग में चले भी गए होते, जो रिजोल्यूशन पास हुए हैं आपने उनके अगेंस्ट में ही वोट दे दिया होता तो क्या फर्क पड़ जाता? आपके 10 वोट पक्ष में देने से या विपक्ष में देने से रिजोल्यूशन की किस्मत में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, और ये तो आप जानते ही हैं, वंस ए रिजोल्यूशन इज पास्ड एवरी शेयर होल्डर इज बाउंड बाय दैट. तो रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट देते विपक्ष में वोट देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. हम इस केस के फैक्ट से जान पा रहे हैं
कि इवन इफ यू डिड नॉट गेट 21 डेज फुल टाइम, फर्स्ट थिंग इज कंपनी इज नॉट एट फॉल्ट, कंपनी ने टाइम से नोटिस भेज दी थी, आपको देर से मिली या इवन नहीं भी मिली तो भी कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी की गलती कब है? कंपनी की मीटिंग इनवैलिड कब होगी? जब कंपनी ने लेस देन 21 डेज की नोटिस बिना कंसेंट के दी है। यहां पर लेस देन 21 डेज की नोटिस उसने नहीं दी, उसने मोर देन 21 डेज की नोटिस दी, आपको देर से मिली, इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट की गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। आपके अधिकारों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, ये रिजोल्यूशन पास हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसके अगेंस्ट में वोट देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो आप काय बेकार हल्ला मचा रहे? क्यों आप बेकार हल्ला मचा रहे? चलो अपने घर जाओ, बेकार खाली फालतू बीवी लेकर के आप चले आए, इनको म्यूजिक सुनाया और वापस भेज दिया। अब आप जरा देखें ये 21 डेज का असली कमाल कैसे होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिएगा, एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं वो अपनी एजीएम बुलाना चाहती है, एजीएम बुलाना चाहती है और एजीएम की प्रपोज्ड डेट वो रखना चाहते हैं 31 जुलाई 2020, ये रखना चाहते 31 जुलाई 2020 को ये कंपनी अपनी एजीएम बुलाना चाहती है। ओके, अब सवाल यहां पे क्या उठता है, व्हेन नोटिस मस्ट बी सेंट। अभी तक के डिस्कशन से इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी को अपने ऑफिस से नोटिस टाइम से भेज देनी है, किसी को मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी अपने यहां से लिफाफा टाइम से निकाल दे, ये मेन टेस्ट है। सेक्शन 101 का मेन टेस्ट ये है कि कंपनी अपने यहां से लिफाफा अपने टाइम से निकाल दे। अब यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कब इस नोटिस को कंपनी अपने दफ्तर से निकाल ले। देखिए, पहली बात तो ये समझिए जो सेक्शन ने कहा क्लियर 21 डेज, इसका क्या मतलब है? जो एक बात कंपनी लॉ नहीं लिख पाया वो ये है क्लियर कैलेंडर 21 डेज, और कैलेंडर 21 डेज का मतलब होता है 24 घंटे का एक दिन। 31 जुलाई को मीटिंग आ रही है, कंपनी लॉ का कहना है कि क्लियर 21 डेज की नोटिस देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई क्लियर 21 डेज नोटिस? द रीजन इज इन द आई ऑफ कंपनी लॉ इट वांट्स दैट द मेंबर हु इज कमिंग टू अटेंड द मीटिंग should come as a well-informed person, क्योंकि आप जो नोटिस देते हैं, अभी हम कंटेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मीटिंग में क्या क्या होगा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, रिमूवल होगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, कंपनी अपने मेमोरेंडम को चेंज करेगी, कंपनी अपने आर्टिकल को चेंज करेगी, तो जो मेंबर आ रहा है वो ये पढ़ के आए कि ये चेंजेस जो हो रहे हैं या ऐसा होगा और वैसा नहीं होगा, इसकी वजह से मेरे हितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उसको किसी मुद्दे पे लीगल एडवाइस चाहिए तो लीगल एडवाइस भी लेकर के आए। कहने का मतलब क्या है, ए पर्सन हु इज कमिंग टू अटेंड द मीटिंग शुड कम एज ए वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, ही शुड कम रेडी विद द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ही शुड कम रेडी विद हिज क्वेश्चन, He can ask question, he can seek answers. So, पूरा सवाल जवाब होने की संभावना है, इसलिए 21 दिन का टाइम उसको दे दो और क्लियर 21 डेज उसको चाहिए। तो अब अगर आप गिनना शुरू करें तो 31 से पीछे आइए जरा सा और 31 में से 21 माइनस कर दीजिए,
10 आया, तो हम क्या करें, 10 जुलाई को नोटिस भेज दें। नोटिस सेंड, 10th को नोटिस सेंड, हो गया सेक्शन का कंप्लायंस, हो गई 21 दिन की नोटिस। ये आंसर गलत है। क्लियर 21 डेज। अगर आप 31 में से 21 को घटाएंगे तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि 31 को तो मीटिंग है ना भाई, मीटिंग से पहले उसको 21 दिन चाहिए, मीटिंग से पहले उसको 21 दिन चाहिए। इसका मतलब यहां 31 में से नहीं बल्कि 30 में से घटाइए। डे ऑफ मीटिंग शुड बी एक्सक्लूडेड। 30 में से जब आप 21 को घटाएंगे तो यहां पर आएगा 9। ठीक है, तो 9th जुलाई को भेज दे, 9 जुलाई को भेज देंगे तो क्या 21 दिन पूरे हो जाएंगे? 21 क्लियर कैलेंडर डेज पूरे हो जाएंगे। कंपनी एक्ट कहता है अभी भी गलत कर रहा, अभी भी गलत कर रहा, अभी भी आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि 9th को आप भेजेंगे तो जिस दिन उसको सर्विस होगी, जिस दिन उसको डिलीवरी होगी, वो दिन तो एक्सक्लूड करो। इसका मतलब 30 में से भी नहीं बल्कि 29 में से घटाना चाहिए था, तब यहां से आता 8th जुलाई। 8th मतलब डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आप कैलेंडर पे करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। प्लस एक प्रोविजन और है यहां पे, ये तो तब है जब आपने बाई हैंड दिया। अगर आपने बाई पोस्ट भेजा तो दिल्ली में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कानपुर में आपका शेयर होल्डर रहता है, आपने सोचा बाई पोस्ट भेज दें, बाई पोस्ट भेजेंगे तो इसमें 48 घंटे और मिला दीजिए, 48 आवर्स। मतलब ये नोटिस कब जानी चाहिए थी? 6th जुलाई को। तो अगर बाई पोस्ट भेजा है तो 48 घंटे का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा। अब आप हो सकता है पूछे कि सर दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, हमारा शेयर होल्डर चेन्नई में रहता है, तो सर चेन्नई में 48 घंटे में चिट्ठी कैसे जाएगी? भैया इससे कंपनी का डिपार्टमेंट कोई मतलब नहीं है, उन्होंने 48 घंटे का ग्रेस पीरियड हिंदुस्तान के हर कोने के लिए दे दिया है, उनको इससे मतलब ही नहीं। वो कहते हैं आप अपने दफ्तर से चिट्ठी निकालो, उसको कब मिलेगी यह हम नहीं जानते। तो आप देख लीजिए क्लियर 21 डेज का वास्तविक मतलब कितना हो जाता है। अगर आप बाई पोस्ट भेजें तो 4 दिन बढ़ जाते हैं, अगर आप बाई हैंड भेजें तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, है कि नहीं है? तो 21 क्लियर कैलेंडर डेज की नोटिस आपको भेजनी पड़ेगी। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आपने इसमें 1 घंटे भी आगे पीछे किया तो गए। अब जरा घंटे का मतलब समझ लेना, आपकी मीटिंग इस दिन 11 बजे कन्वीन होनी है, 11 बजे 31 जुलाई को 11 बजे। तो अगर आप 8 जुलाई को ये नोटिस भेज रहे हैं तो इसका सबूत कैसे होना चाहिए? क्या आप अपनी नोटिस को कितने बजे तक अपने ऑफिस से बाहर निकाल दें? 10:59 से पहले निकाल दें। बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए रजिस्ट्री की रसीद पे कि 10:59 से पहले गई है। तो कहने का मतलब इस केस में नोटिस कब जानी चाहिए? अगर आप बाई हैंड भेज रहे हैं तो लिखेंगे ऑन आर बिफोर 8th जुलाई, और अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो लिखेंगे ऑन आर बिफोर 6th जुलाई। 21 दिन से ज्यादा की नोटिस दे दो चलेगा, 21 दिन से कम की नोटिस नहीं दोगे। एक बार आप फिर से इस एग्जांपल को देखना, 31 जनवरी 31 जुलाई की मीटिंग थी, आपको जब क्लियर 21 डेज की नोटिस के लिए बोला गया
तो बोला गया क्लियर 21 डेज का मतलब क्या है, क्लियर कैलेंडर 21 डेज, क्लियर कैलेंडर 21 डेज। और क्या बोला गया आपको, बोला गया कि अगर बाय पोस्ट आप भेजना चाहते हो तो 2 दिन का ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा, 48 घंटे का ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा, और डे ऑफ सर्विस और डे ऑफ मीटिंग तो आपको उसमें से निकालने पड़ेंगे क्योंकि क्लियर 21 डेज की डिमांड कंपनी लाने की है। अब जरा हम कुछ और चीजों की तरफ आते हैं कि कैसे आखिर नोटिस को सर्विस में डाला जाएगा, नोटिस का कंटेंट क्या होगा, नोटिस का एजेंडा क्या होगा। अब जरा हम इन चीजों की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने आपको कप दिखाई दिया तो एक कप चाय तो हो ही जाए। हाँ जी, यस प्लीज। नाउ अगेन, हाउ नोटिस इज टू बी सर्व, नोटिस आप देंगे कैसे। सेक्शन 22 सेज सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स को कागजात कैसे पहुंचाए जाएंगे। ए डॉक्यूमेंट मे बी सर्व ऑन एनी मेंबर आइदर पर्सनली और बाय ईमेल और बाय पोस्ट एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस। इफ ही हैज नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया देन एट द एड्रेस विद इन इंडिया सप्लाइड बाय हिम फॉर गिविंग नोटिस। देखिए, आज के जमाने में कंपनियों के कई ऐसे मेंबर भी हैं जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो या तो वो इंडिया के बाहर का अपना एड्रेस दे दें, या अगर इंडिया में उनका कोई घर परिवार हो तो उसका एड्रेस दे दें। नोटिस वहां पे भेजी जानी जरूरी है। जो भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में भाई का रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा वहां पर नोटिस भेज दी जाएगी। वैसे आज के जमाने में प्रैक्टिकली ज्यादातर नोटिसेस ईमेल से भेजी जा रही है। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज सेंट बाय पोस्ट, भारतीय डाक सेवा का आप अनुकरण कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग स्टैंपिंग एंड पोस्टिंग ए लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट। जी, ये नहीं कि लिफाफे के ऊपर टिकट लगना है 15 रुपए का, आपने टिकट 10 रुपए का लगा दिया और 10 रुपए का लगा करके वो लेटर बॉक्स में डाल दिया, दैट इज नॉट कंप्लीट सर्विस। जितने का टिकट लगना है उतने का आपको लिफाफे पे टिकट चिपका करके तब देना पड़ेगा और पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये, आप कहते जी पोस्टिंग में झूठ बोल दिया, इसी से बचने का एक तरीका है कि पोस्टिंग में झूठ बोला तो क्या होगा। वेयर ए मेंबर हैज इंटीमेटेड द कंपनी इन एडवांस दैट डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट टू हिम अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ऑर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड ही हैज डिपॉजिटेड विद द कंपनी अ सम सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ डूइंग सो। कहने का मतलब क्या है, मेंबर कहता है ऐसा है भैया, हमको ऑर्डिनरी पोस्ट पे भरोसा नहीं है, हमको आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही चिट्ठी भेजिए। तो कंपनी कहेगी कि भाई रजिस्टर्ड पोस्ट से हम भेजेंगे तो हमारा खर्चा आएगा, क्योंकि आपको पता है ऑर्डिनरी पोस्ट से अगर आप कोई लेटर भेजें तो कम पैसे में चला जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप कोई लेटर भेजें तो पैसा ज्यादा लगता है। तो अगर आप ऑर्डिनरी पोस्ट की बजाय रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो जो पैसा ज्यादा लगेगा उसकी भरपाई कौन करेगा, उस बंदे को करनी पड़ेगी जिसने ऐसा काम किया है। देन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड अनलेस इट इज सेंट इन द मैनर इंटीमेटेड बाय द मेंबर। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसने आपको रजिस्ट्री से चिट्ठी भेजने का पैसा भी डिपॉजिट करवा दिया है तो आपकी डिलीवरी कंप्लीट तब मानी जाएगी जब आपने उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। या एक सवाल भी कर देते हैं कि किसी ने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का आपको पैसा जमा करा दिया, आपने फिर भी उसको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दिया और उसको चिट्ठी मिल भी गई, फिर भी क्या नोटिस वैलिड है, नहीं।
नोटिस वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने आपको जो प्रोसीजर बताया था नोटिस भेजने का वो आपने पालन नहीं किया। केस ला हुआ भारत कुमार दिलवाले वर्सेस बहरीन कार्बन एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का। क्या केस हुआ दिलवाले का? ये दिलवाले वो दुल्हनिया वाले नहीं है, ये भारत कुमार दिलवाले हैं। इसमें इसी बात को कहा गया, द नोटिस इज डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड, डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड। अभी वो प्रावधान हम लोग सोच रहे थे ना कि जी मेरा ऑफिस तो दिल्ली में है और मेरा शेयर होल्डर चेन्नई में रहता है तो 48 घंटे में हो जाएगा क्या? देखिए कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दी है, द नोटिस इज डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स, deemed to have been delivered on the expiry of 48 hours after the letter is posted and the day of the notice and the day of the meeting are to be excluded। यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो भारत कुमार दिलवाले के केस में इस बात को, दो बातों को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हम ये नहीं जानते कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है और आपका शेयर होल्डर देश के किस हिस्से में रहता है। हम तो एक टाइम लिमिट फिक्स कर दे रहे हैं कि हर हाल में नोटिस 48 घंटे के अंदर बाई पोस्ट डिलीवर हो जानी चाहिए। अब देखिए, नोटिस इज डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड व्हेन, व्हेन टू द एड्रेसी, व्हेन ऑन द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी आवर्स, 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ पोस्टिंग, एक्चुअल डिलीवरी इज मटेरियल। उसको मिला कि नहीं मिला, उसको मिला कि नहीं मिला, इससे मतलब नहीं है। कंपनी को यह दिखाना है कि साहब हमने अपना काम टाइम से कर दिया था, उनको मिला कि नहीं मिला इससे मतलब नहीं है। अब एक नया प्रश्न था कि एक कंपनी के दो शेयर होल्डर है और दोनों ज्वाइंट शेयर होल्डर है, मतलब एक ही शेयर को दो लोगों ने ज्वाइंटली पैसा देके खरीदा हुआ है, तो नोटिस दोनों को जाएगी या किसी एक को जाएगी? इसमें कंपनी लॉ ने बड़ा सिंपल सा डिसीजन दिया कि वे रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिस ज्वाइंट होल्डर का नाम पहले लिखा है आप उसको भेज दीजिए, आपका काम चल जाएगा। ओके, वेयर एनी मेंबर्स लेटेस्ट एड्रेस इज नॉट नोन टू द कंपनी, the notice is sent at the latest known address of the member. Members who resign outside India, NRIs को कैसे भेजेंगे? Notice shall be sent at their Indian address only. If such members have not provided any Indian address, the company is not under any obligation to send notice outside India. ये तो देखिए provision तो पुराना था, आज की रेट में हकीकत ये है कि भाई सबके पास ईमेल है, प्रैक्टिकल लाइफ में सबके पास ईमेल है, कंपनियां ईमेल से नोटिस भेज देती हैं और अपनी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर देती हैं। सर्विस ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, वेयर अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट नोटिस सर्वड ऑन हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, सच रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सेम इज वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस। अक्सर ऐसा होता है लोग कोर्ट का संबंध वम्बन लेने से मना कर देते, ऐसी कंपनी की रजिस्टर्ड नोटिस गई, भाई ने लेने से ही मना कर दिया, कहलवा दिया कि जाके कह दो पापा घर में नहीं है। अब कंपनी को क्या वो बोल सकता है कि आपने मुझे नोटिस नहीं भेजी? नहीं साहब, हम तो आपके घर गए थे, या तो आपने लिया नहीं या तो आप घर पे मिले नहीं, हम तो गए थे ना। देखिए हर हाल में एक बात जान लीजिए, कंपनी के दफ्तर से नोटिस कब निकली है वहां से 21 दिन गिन लिए जाएंगे, उसके बाद शेयर होल्डर को नोटिस मिली नहीं मिली इससे कंपनी का ज्यादा कंसर्न नहीं है। नोटिस इन ए न्यूज़पेपर, ए डॉक्यूमेंट एडवर्टाइज इन ए न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द सिटी ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सर्वड ऑन एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया on the day on which advertisement appears in the paper। कंपनियां अक्सर, लिस्टेड कंपनियां तो अक्सर ऐसा करती हैं कि अपनी नोटिस ऑफ द मीटिंग को बाई पोस्ट बाई ईमेल तो भेज ही रही हैं,
वो अखबार में भी छपवा देती है। अब अगर उन्होंने अखबार में भी छपवा दिया तो क्या मतलब होता है भाई, जिस दिन न्यूज़पेपर में आया उस दिन ये माना जाएगा कि आपकी नोटिस लोगों को मिली। किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा इससे मतलब नहीं है, जिस डेट को पब्लिश होगा वो डेट आपकी मीटिंग से 21 दिन पहले की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नोटिस अखबार में पब्लिश की जाएगी वो शॉर्ट होगी, डिटेल में नहीं होगी, उसमें कोई स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट वगैरह नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि इस मीटिंग के डिटेल आपको अलग से ईमेल में अटैचमेंट में या फिर अलग से लिफाफे में करके भेज दिए गए हैं। ये एक एग्जांपल हो सकता है कि अखबार में कैसे नोटिस छपवाते हैं, शॉर्ट में एजेंडा दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, वेन्यू दे देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ किसी ऑडिटोरियम में या होटल में मीटिंग हो रही है और बाकी कह देते हैं कि बाकी के इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको अलग से हम लेटर में भेज रहे हैं। तो अब हमने जो है अभी तक सिर्फ इतना किया कि सेक्शन 101 का एक हिस्सा क्या है, नोटिस में मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज क्या है, नोटिस भेजने का तरीका क्या है और नोटिस को हम जब भेजेंगे तो बाई पोस्ट कितने घंटे का ग्रेस पीरियड मिलेगा, 21 दिन की कैलकुलेशन कैसे होनी है, आज मैंने इस सेक्शन का आधा हिस्सा किया है। आधा हिस्सा आपको अगले लेक्चर में करूँगा। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।